Hey guys, in previous lectures we have seen how to design fillet weld and what are its various design aspects. Okay, so in this section we will see how to design a fillet weld numerical. So we will see a numerical problem based on it. So the numerical is, so the question is, the problem is to design a suitable longitudinal fillet weld to connect the plate H1, here two plates, first one and second one, to transmit a pull equal to full strength of small plate. Means we have to design for the full strength of small plate, and it is the given portion, plate are 12 mm thick. Grade of plate means FU is 410, FY will be 250, okay, and waiting to be made in, it is made in workshop. Okay, so now we have to find some other data too, that are minimum size, since the thickness of plate is, thickness of plate is 12 mm, so minimum size will be 5 mm. Okay, as per IS 800 2007. Okay, and maximum size will be size of the thinner plate minus 1.5, that is 12 minus 1.5, that will be 10.5 mm. so minimum size 5 mm se jyada hoga aur maximum size 10.5 mm se kam hoga. Iska matlab ho gaya ki iske beech hum koi bhi size opt kar sakte hain. Hum 6 mm weld ka size le sakte hain, theek hai, 7 mm le sakte hain, 8 mm le sakte hain, 9 le sakte hain, 10 le sakte hain, 10.5 le sakte hain, lekin not more than 10.5 and not less than 5 mm. Okay, so let's suppose size of weld is 10 mm. Okay, so हम लोग क्या करेंगे, अब size of weld 10 mm लेके fillet weld joint बनाएंगे, ठीक है. Okay, अब क्या करना होगा, मिनिमम साइज मिल गया, मैक्सिमम साइज मिल गया, ठीक है. गामा एम बी कितना होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25, ठीक है. अब दिया हुआ है विड्थ ऑफ ब्रेथ ऑफ प्लेट, ये कितना है, तो मिनिमम जो भी इक्वल टू स्मॉल प्लेट यानी 100 mm, ठीक है. करना क्या है, थिकनेस मेरे को मालूम है 12, एफ यू पता चल गया, एफ वाई मालूम है, एफ यू भी गिवन है, मिनिमम साइज निकाल लिए, मैक्सिमम साइज निकाल लिए, और एक वेल्ड का साइज ले लिए जो इन बिटवीन दिस टू है, ठीक है. कुछ भी हो सकता था, लेट सपोज ये गामा एम बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी मालूम, विद ऑफ प्लेट दिया हुआ है 100 mm. ओके, वी नो फुल डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉलर प्लेट, ठीक है. ये क्या हो जाएगा, ए जी एफ वाई इंटू गामा एम जीरो. फुल डिजाइन स्ट्रेंथ मतलब एरिया इंटू स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस क्या है, तो मेरा फैक्टर्ड है, ठीक है, विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कंसिडर किए. तो ए जी क्या हो गया, ए जी मेरा है 12 इंटू 100, 12 इज द थिकनेस एंड 100 इज द विद, इंटू एफ वाई कितना है मेरा 250, एंड गामा एमओ फॉर सर्विसबिलिटी हम लोग कितना यूज करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1. ओके, सो ये हो जाएगा
that is 27.27 न्यूटन. ओके, ये आ गया मेरा फुल स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉलर प्लेट. अब क्या करना है, लेट. अब तो मेरे को मालूम अभी नहीं है कि जो जॉइंट होगा, जो मेरा वेल्ड होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा. साइज तो मालूम है, एस, ठीक है, साइज मालूम है. इसका लेंथ कितना होगा, तो लेंथ को अननोन बना लेते हैं, ठीक है. और जो भी मेरा इक्वेशन बनेगा उसको इससे इक्वेट कर देना होगा. सो लेट इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज एल डब्ल्यू, लेंथ ऑफ वेल्ड. ओके, नाउ एल डब्ल्यू, ठीक है. तो टी मेरा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा 0.7 × 10. 0.7 क्यों, तो हमको मालूम है के इंटू एस, एंड फॉर नॉर्मल कंडीशन के इज 0.7. ओके, सो सिंस एज्यूम नॉर्मल थ्रॉट थिकनेस, नॉर्मल थ्रॉट थिकनेस मीन्स कि ये जो वेल्ड है वो मेरा क्या होगा, 60 डिग्री टू 90 डिग्री. जो मेरा फेस है ये फेस 60 टू 90 डिग्री के बीच रहेगा. तो उस समय हम कितना लेते हैं, के 0.7. ओके, सो थ्रॉट थिकनेस हो गया 0.7, मीन्स इट इज 7 mm. नाउ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड. ओके, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड क्या है मेरे पास, एल डब्ल्यू इंटू टी, एरिया मल्टीप्लाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस 0.3 γ mb. ओके, तो एल डब्ल्यू इज अननोन, टी वी हैव टी, एफ यू इज 410, इट इज √3 × γ mb 1.25. अब क्या करना है, ये हो गया. अब जो भी वेल्ड हम यहाँ पर वेल्ड प्रोवाइड करेंगे उसका स्ट्रेंथ हो गया ये, ठीक है. अब इस स्ट्रेंथ को क्या करना होगा, इससे इक्वेट कर देना है. सो लेट्स सपोज दिस इज 1, तो इक्वेट इट बाय इक्वेशन 1. सो वी विल हैव 27.27 is equal to LW into 7410 √3 1.25. सो LW यहाँ से हो जाएगा 205.74 mm. ओके, लेट सपोज 210 mm. अब आ गया मेरा लेंथ ऑफ वेल्ड कितना हो गया, 210 mm. अब करना क्या है कि दो फेस, एक फेस, दो फेस, तीन फेस है, तो वी विल प्रोवाइड यूज 105 mm वेल्ड ऑन बोथ साइड्स. मीन्स हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पर वेल्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इस फेस में और इस फेस में. तो ये हो जाएगा मेरा 105 और इधर भी हो गया मेरा 105. तो टोटल हो गया मेरा 210. सो ये डिजाइन हमने कर लिया इसको, ठीक है. अब इस पे और भी अलग अलग फैक्टर्स जो हमें देखना था, क्या है कि मिनिमम ओवरलैपिंग 4S या फिर 40 mm से कम नहीं होना है.
तो एस इज 10, 4 एस इज 40 और 40, ओके, सो बोथ विल 40। मेरा मिनिमम ओवरलैप कितना है, 105, सो ये ओवरलैपिंग का केस जो है ये सही है। अब जब भी हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, तो हम इन रिटर्न लगाएंगे, तो यहाँ पर हम जब फील्ड में करेंगे तब यहाँ पर इन रिटर्न डेट इज 2s हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ओके। इस क्वेश्चन में सिर्फ डिज़ाइन पोर्शन पूछा था कि कितना होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल फिलेट का बिल्ड, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2s नहीं दिखा रहे हैं। अगर इन प्रैक्टिस इन फील्ड हम लोग करें तो ये इन रिटर्न हमें लगाना होगा, डेट इज नॉट इक्वल नॉट लेस देन 2s। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड, ओके। सो इट इज सिंपली अ क्वेश्चन लाइक लैप जॉइंट इन विच वी विल हैव टू फाइंड द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉलर प्लेट एंड इक्वेटेड बाय डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। और क्वेश्चन में क्या हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिलेट वेल्ड टू कनेक्ट द प्लेट, सॉरी टू ट्रांसमिट अ पुल इक्वल टू फुल स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल प्लेट, या फिर बोल सकता था कि टू ट्रांसमिट अ पुल और टू ट्रांसमिट अ लोड टेंसाइल लोड ऑफ समथिंग, लेट से 100 किलो न्यूटन 200 किलो न्यूटन, या फिर यहाँ पर कोई डाटा दे दिया रहा था, तो क्या करते हैं हम उस समय उस डाटा से इसको इस वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं, ओके। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, अ टाई मेंबर ऑफ रूफ ट्रस कंसिस्ट ऑफ टू ISA 100 × 75 × 6, इसका मतलब क्या होगा, ये अनइक्वल सेक्शन है। द एंगल आर कनेक्टेड टू इधर साइड ऑफ अ 10 mm गसेट प्लेट, गसेट प्लेट का विड्थ कितना है, थिकनेस कितना है 10 mm, एंड मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ वर्किंग पुल ऑफ 300 kN, डिजाइन वेल्डेड कनेक्शन, एज्यूम कनेक्शन आर मेड इन द वर्कशॉप, ओके। सो वर्कशॉप में अगर मेंबर को डिज़ाइन किया गया, कनेक्शन डिज़ाइन किया गया, इसका मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है, ओके। सो इसे देखते हैं, अब एक रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, एंगल सेक्शन क्या है, एंगल सेक्शन है ऐसा, अब एंगल सेक्शन का एक प्रॉपर्टी है, अगर हम इसके लिए विल डिज़ाइन करें, जो भी मेरा राउंडेड एंड होगा, ठीक है, राउंडेड एंड में जब हम जॉइन करेंगे तो इसका जो साइज ऑफ विल्ड है वो क्या है, 3, इट विल नॉट बी मोर देन 3/4 ऑफ थिकनेस, थिकनेस ऑफ विल्ड, ठीक है। सो इसका थिकनेस 3/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टाइम मेंबर ऑफ रूफ ट्रस कंसिस्ट ऑफ टू आई एस ए 100 × 75 × 8, इट इज 8 mm थिकनेस, ओके। और अगर हम इसको डिज़ाइन किए, मतलब इसको वेल्ड किए फॉर स्क्वायर एंड, ठीक है, स्क्वायर एंड मतलब हम समझ लेते हैं कि कहीं इधर जॉइन किए या स्क्वायर एंड इधर जॉइन किए, ठीक है, इधर वेल्ड किए, तो इसका जो थिकनेस होगा, ये थिकनेस ये कितना है, तो ये होना चाहिए थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5, मीन्स थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5, ओके। और इसको जॉइन किए तो ये एस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3/4 ऑफ थिकनेस, एट्स एस शुड नॉट बी मोर देन 3/4 ऑफ थिकनेस, ओके। सो इसको हम लोग कंसिडर करते हुए अब देखेंगे, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
roof truss consist of two ISA, okay, angle are connected either side of 10 mm, तो ऐसा करके कुछ अरेंजमेंट बन जाएगा। ये मेरा गसेट प्लेट, ठीक है, अब जो वेल्ड करेंगे कहाँ करेंगे, वेल्डेड वेल्ड के लिए हमको एक ये सरफेस मिलेगा, एक ये सरफेस मिलेगा, ठीक है, एक यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा और एक ये जगह मिलेगा, ठीक है। इसको अगर सेक्शन से देखा जाए तो ये कैसा होगा, टॉप ये बॉटम, ठीक है, और क्या है, चल इतना सही है, इतना ठीक है। एक ये सर वेल्ड, एक ये वेल्ड, एक ये वेल्ड। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्किंग लोड गिवन है, वर्किंग लोड इज इक्वल टू 300 किलो न्यूटन, ठीक है, तो फैक्टर्ड लोड क्या हो जाएगा, इट इज 300 × 1.5, डेट विल 450 किलो न्यूटन, ठीक है। नाउ थिकनेस ऑफ वेल्ड, अभी देखे थिकनेस ऑफ वेल्ड क्या है, तो दो केस है, थिकनेस ऑफ वेल्ड के लिए पहला क्या है, फॉर राउंडेड एंड, जब भी राउंडेड एंड होगा तो एस विल नॉट बी मोर देन 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 × थिकनेस कितना है 8, सो इट विल बी 6 mm, 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड फॉर टॉप ऑफ टॉप, मतलब स्क्वायर इंड जो है, ये स्क्वायर फेस, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो टी माइनस वन पॉइंट, थिकनेस माइनस 1.5, तो थिकनेस क्या है मेरा 8 mm, थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5, डेट इज 6.5 mm, मतलब ये 6.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 6 mm से, तो लेट से साइज ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू 6 mm, ठीक है, 6 mm से कम हम कुछ भी रख सकते, 5 रख सकते थे, 5.5 से रख सकते थे, तो यहाँ हमने रख लिया 6 mm साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। नाउ अब इस पे टोटल लोड कितना लग रहा है, तो 450 किलो न्यूटन, तो एक बॉडी पे एक साइड लोड कितना लगेगा, तो 450 / 2, डेट इज 225 किलो न्यूटन, ठीक है, तो देयरफॉर each angle carries a load of 2 to 5 kilonewton, okay, again करना क्या है कि let, अब क्या कहे, length of weld, ये इस face में जो भी welding होगा, इस face में जो भी welding होगा, हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ वेल्ड क्या है मेरा LW, जो चाहिए फॉर दिस मच लोड टू कैरी, ओके, सो लेट LW बी द टोटल लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वेल्ड,
Okay. So throat thickness क्या हो जाएगा? Throat thickness will be 0.7 into 6 for normal case. अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो हमेशा हम normal case मानेंगे. तो it will be 4.2 mm. Now design strength of weld. हमको मालूम है क्या होता है. इट इज एल डब्ल्यू इंटू टी एरिया इंटू परमिसिबल स्ट्रेस एफ यू बाई रूट थ्री गामा एम बी. सो एल डब्ल्यू इज एल डब्ल्यू थ्रॉट थिकनेस इज 4.2 एफ यू इज 410 एफ यू इज गिवन लेट सपोज एफ यू लेट एफ यू इज 410 इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3 1.25. सो अब क्या करना है, ये जो लोड आया, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आया, इसको क्या करेंगे, 2 to 5 किलो न्यूटन से इक्वेट कर देंगे. सो बाई equating equating it to equation A. Let's suppose this is A. So that is 2 to 5 into 10 to power 3 LW 4.2 410 root 3 1.25. So LW will be, it will be to, it is equal to 282.89, let's say 283 mm. Okay, अब क्या है कि इस फेस में जो हम वेल्ड करेंगे, ठीक है, इस फेस में जो वेल्ड करेंगे, let's say it is L1, it is L2, ठीक है. तो इस L1 plus L2 कितना होना चाहिए मेरा, 283 mm. ओके, लेकिन एक और केस है. अब चूंकि ये एंगल सेक्शन है, ठीक है, तो एंगल सेक्शन का अपना सीजी होता है, ठीक है, इट इज सी एक्स एक्स, ठीक है. तो हम इस वेल्ड को वैसे डिजाइन करेंगे कि वेल्ड का सीजी भी इस एंगल सेक्शन के सीजी को कंसाइड कर जाए. अगर ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा कि एंगल सेक्शन का सीजी कुछ और होगा और वेल्ड सेक्शन का सीजी कुछ और होगा. तो इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक इसेंट्रिक लोड लगने लगेगा. तो बिना कुछ किए यहाँ पर कपल जनरेट होगा और ये मोमेंट जनरेट होगा और ये अनस्टेबल बना देगा जॉइंट को. ओके, सो हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि वेल्ड सेक्शन का सीजी और ये एंगल सेक्शन के सीजी को कंसाइड कर रहे हैं, ठीक है. तो इधर के हम L1 मान लेते हैं और इसको L2 मान लेते हैं, ठीक है. अब हम जब देखेंगे तो ये आई सेक्शन, सॉरी, ये जो एंगल सेक्शन का सीजी है फॉर दिस 100 इंटू 75 इंटू 8 mm, इसके लिए गिवन है सी एक्स एक्स इज इक्वल टू 31 mm. ये स्टील बुक में मिल जाएगा और ISA 800 2007 में मिलेगा. ओके, तो अब क्या करना है, मोमेंट निकाल देना है. ओके, सो L1 into 31 is equal to L1 into,
लेट्स से ये एल वन, तो एल वन इंटू 31 इज इक्वल टू एल टू इंटू 100 माइनस 31, सिंस ये लेंथ कितना है 100 एम एम, 100 इंटू 75 इंटू 108, ये 100 एम एम, तो ये मेरा 75 8, इसका थिकनेस होगा, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा एल वन इज इक्वल टू 69/31 इंटू एल टू, ओके। अब दो इक्वेशन मिल गए मेरे को, एक ये इक्वेशन, एक इस दोनों को इक्वेट करेंगे जब, तो एल वन मेरा आएगा 195 और एल टू आएगा 87 एमएम, ओके। तो आ गया मेरा, अब जो एल वन यहाँ प्रोवाइड किए ये कितना होगा मेरा 195 एमएम, और एल टू जो प्रोवाइड किए ये होगा मेरा 87 एमएम। तो देयरफॉर करना क्या है, तो प्रोवाइड 6 एमएम, ये जो निकाले थे, सॉरी ये जो निकाले थे 6 एमएम वेल्ड ऑफ 283 एमएम, इन विच एल वन इज इक्वल टू, दिस वन इज एल वन 195 एमएम एंड एल टू इज इक्वल टू 87 एमएम, ये एल टू, ओके। सो ये जो लेंथ है यहाँ पर, ये हम कितना कितना दूर तक करेंगे, तो एल टू 87 एमएम तक करिए, 195 एमएम। सो डेट्स इट फॉर दिस सेशन, ये दो टाइप का क्वेश्चन था। सो आगे आप लोग क्वेश्चन बनाइए, ओके। सो स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, be learn in this pandemic situation. God bless you. Namaskar.